गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पालक की कढ़ी बनाना। तो आइए बनाते हैं पालक की कढ़ी। पालक की कढ़ी बनाने के लिए ये हमने एक गुच्छी पालक लिए है, इसको हमने धोकर अच्छे से काट लिया है। और ये हमने लस्सी ली है, ये हमने एक लीटर लस्सी ली है। और इधर मैंने कढ़ाई को गैस पे रख लिया है, गैस को मैं ऑन कर देती हूँ। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और तेल को मैं गर्म होने देती हूँ। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक मैं इसमें बेसन घोलकर तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक कड़छी बेसन लिया है और ये मैंने दो कड़छी बेसन लिया है। मैंने लगभग 200 ग्राम के आसपास बेसन लिया है और अब मैं इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी डालूँगी और 1/2 ही चम्मच में लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। और अब मैं इसको बीटर से बीट लूँगी और अब मैं इसे बीट कर लेती हूँ। और ये हमारा बीट हो चुका है। ब्लेंडर को मैं साइड में रख देती हूँ और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चुटकी भर हींग डाल दूँगी और साथ ही 1/2 चम्मच इसमें मेथी दाना डाल रही हूँ। मेथी दाना हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें पालक डाल देती हूँ और पालक को मैं भून लूंगी। मुझे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। इसे मैं अच्छे से तरह से भून लूंगी। पालक हमारा भून चुका है और इसने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें ये बेसन का घोल डाल दूंगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसी पतीले में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। ये पानी भी मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने अभी कढ़ी में नमक नहीं डाला है, नमक मैं उबाल आने के बाद डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं कढ़ी में। कढ़ी के अंदर 1/2 गिलास के आसपास और पानी डाल दूंगी मैं। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये मैंने 1 बड़ा प्याज और 1 बड़ा आलू लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 हरी मिर्च ली हैं। इनको मैं काट लूंगी बारीक बारीक। ये पकौड़ों के लिए मैंने सामान तैयार कर लेती हूँ। और इधर हमारी कढ़ी पकने लगी है, इसे मैं बीच बीच में हिलाती रहूंगी कढ़ी को। ये मैंने आलू और प्याज धनिया हरी मिर्च को कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बेसन डालूंगी। ये 1 और ये मैंने 2 और ये मैंने 3 चम्मच 3 सर्विंग स्पून बेसन डाला है। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे हम। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, 1/4 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1/4 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें लस्सी डालूंगी, 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें लस्सी डाल दी है। बाकी मैं इसमें पानी इस्तेमाल करूंगी। पकने लगी है और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना, मैंने इसमें 1/2 चम्मच डाल दिया है। ये मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है और ये मैंने 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी और इसे मैं पकने दूंगी। धीरे धीरे इसे गैस पे पकने दूंगी अच्छे से। ये कम से कम
एक घंटे के आसपास पककर तैयार होगी हमारी कढ़ी। जब तक हमारी ये कढ़ी तैयार होती है तब तक मैं पकौड़े बनाकर भी तैयार कर लेती हूँ, और इसमें मैं चुटकी भर हींग इसमें भी डाल देती हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से घोल लूंगी और थोड़ा सा पानी डाल लूंगी मैं। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं। और ये हमारा पकौड़ों का पेस्ट तैयार हो चुका है। और इधर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। और ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इधर हमारा पेस्ट भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा पेस्ट करके उठाऊंगी और पकौड़े बनाकर तैयार कर लूंगी। अब मैं पकौड़ों को हिलाऊंगी। ये देखो कितने अच्छे से पकौड़े बन रहे हैं हमारी कढ़ी के, और इधर हमारी कढ़ी भी इतने अच्छे से पक रही है। पकौड़ों को थोड़ा सा और पकने दूंगी मैं। अब मैं पकौड़ों को प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। ये मैंने पकौड़ों को प्लेट के अंदर निकाल लिया है और ये मेरे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी प्रकार से सारे पकौड़े बनाकर तैयार कर लूंगी। और ये हमारे सारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी। और गैस को मैं बंद कर देती हूँ। ये कितने बढ़िया से पकौड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और अब मैं इस कढ़ी के अंदर ये पकौड़े डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और इधर मैंने एक सॉस पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और गैस को मैं ऑन कर देती हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। और ये मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, जीरा भी मैं इसमें डाल दूंगी। जीरा हमारा चटकने लगा है, अब मैं इसमें ये आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर डाल दूंगी और गैस को मैं बंद कर देती हूँ। और ये हमारा देगी मिर्च का तड़का तैयार हो चुका है। इसको कढ़ी पर डाल दूंगी, इसको मैं बंद कर देती हूँ। कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखो कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई हमारी कढ़ी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।